नमस्कार दोस्तों, आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल श्याम कला शेयरिंग में स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ, और आज आपको करंट अफेयर के बारे में बताया जाएगा। भले ये टेक्निकल की एग्ज़ाम हो या नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम, सभी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हल कराए जाएंगे, जो करंट जीके के संबंधित सभी कंप्लीट क्वेश्चन हल कराए जाएंगे। तो दोस्तों, आज इस क्लास में आपको 15 क्वेश्चन हल कराएंगे, और 15 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आप लेके आ रहे हैं, इंडिया करप्शन सर्वे 2019 के अनुसार सबसे अधिक भ्रष्ट राज्य कौन सा है। तो दोस्तों, ये सबसे भ्रष्ट राज्य राजस्थान है, क्योंकि 2018 अक्टूबर से लेके नवंबर 2019 के बीच लोकल सर्वे नामक सोशल मीडिया फर्म तथा ट्रांसपेरेंस इंटरनेशनल इंडिया द्वारा किया गया है, जिसमें राजस्थान को सबसे भ्रष्ट राज्य बताया गया है। दोनों में क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में 13वें दक्षिण एशिया खेलों का उद्घाटन किस देश में किया गया। तो दोस्तों, ये नेपाल में किया गया। अब इस एशिया खेलों में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत ने कितने स्वर्ण, कितने रजत, कितने कांस्य जीते, ये चीज़ें पूछ सकता है। तथा कौन सा देश कौन से स्थान पर रहा, तो ये चीज़ें सारी क्लियर करी कि भारतीय खिलाड़ियों ने 13वें दक्षिण एशिया खेलों में 114 स्वर्ण पदक, 93 रजत, 15 कांस्य पदक जीते। तथा नेपाल 206 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा, और दक्षिण एशिया खेलों का आयोजन 1993 से किया जा रहा है। भारत ने पिछले सत्र 2016 में कुल 309 पदक जीते थे। अगला क्वेश्चन, भारत और श्रीलंका के बीच हाल ही में किस युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया। दोस्तों, मित्र शक्ति 7 का युद्धाभ्यास किया गया। अगला क्वेश्चन, नई दिल्ली में भारतीय पोषण गान किसने लॉन्च किया था। तो दोस्तों, ये एम वेंकैया नायडू ने लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन, हज प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाने का विश्व का पहला देश कौन सा। दोस्तों, ये भारतीय है जो इसे डिजिटल बनाना चाहता है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाता है। मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत का रैंक क्या है। तो दोस्तों, 129वां रैंक है। हाल ही में मिस यूनिवर्सल 2019 का खिताब किसने जीता। तो दोस्तों, जोजी बिनी ट्रोजी ने विश्व खिताब जीता मिस यूनिवर्सल का। अगला क्वेश्चन है, ऑरेंज फेरिवेस्टल किस राज्य में शुरू हो गया। तो दोस्तों, मणिपुर राज्य में स्टार्ट किया गया। जगह मिशन के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड किसने जीता था। दोस्तों, उड़ीसा राज्य ने जीता था। उड़ीसा को उड़ीसा लाइव हैबिटेट मिशन कहे जाने वाले जगह मिशन को इस वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड के कांस्य पुरस्कार के पुरस्कृत किया, जो कि झुग्गी भूमि से संबंधित मिशन है। इसे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लाखों गरीब लोगों को लाभ के लिए कार्य किया जाता है। पुरस्कार में ब्रिटेन संस्था वर्ल्ड हैबिटेट द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन, भारत और रूस के बीच किस अभ्यास को 10 दिसंबर से 19 दिसंबर के बीच आयोजित किया गया। दोस्तों, ये इंद्र युद्धाभ्यास है, जिसका उद्घाटन किया गया। इस इंद्र युद्धाभ्यास 2019 का उद्घाटन आयोजन उत्तर प्रदेश के बबीना में किया गया। युद्धाभ्यास इंद्र की शुरुआत वर्ष 2003 में, और तीनों सेनाओं के मध्य ये युद्धाभ्यास 2017 में स्टार्ट किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय, अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये 22 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि यह दिन महान गणितज्ञ श्री निवास रामानुजन की जयंती के रूप में मनाया जाता है। टर्बुलेंस एम टाइम्फ द मोदी ईयर पुस्तक का विमोचन हाल ही में किसके द्वारा किया गया। तो दोस्तों, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया। भारत सरकार ने गुड गवर्नमेंट इंडेक्स लॉन्च किया, किस राज्य में गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में टॉप किया है। तो तमिलनाडु राज्य ने टॉप किया है। हाल ही में खबरों में रही इंडियन स्कीमें रिवर टर्न रिवर लेपिंग क्या है। तो पक्षी प्रजाति इसकी ये जाती है।